अब मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ चार धाम यात्रा पे। अब आप सोचेंगे कि अयोध्या जाते जाते चार धाम यात्रा कहाँ से आ गई। अयोध्या के अंदर ही एक मंदिर बना हुआ है चार धाम मंदिर के नाम से। तो जब तक हम चार धाम यात्रा के दर्शन हम ना करें, आप लोगों को ना करवाएं, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। और ये जो चार धाम मंदिर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूसरे दो धाम, तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए अब हम चल पड़े हैं। पहुंच गए क्या भैया? अभी हम लोग चार धाम मंदिर के पट बंद हैं, साथ में हम पहले वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण जहाँ लिखी गई थी, पूरी की पूरी रामायण जहाँ बैठ के लिखी थी, उस स्थान के, उस पवित्र स्थान के हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को ध्यान बाहर से वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, ये पूरा टेंपल मैंने आपको दिखाया है, और नज़दीक से भी दिखा सकती हूँ मैं आपको। कोशिश कर रही हूँ अच्छे से आपको एक एक चीज़, एक एक समय दिखाऊँ। जगह का नाम रखा हुआ है वाल्मीकि रामायण भवन। गाइड भी हमें गाइड कर रहे हैं, पहले वाल्मीकि भवन में जाने से पहले यहाँ पर चप्पल खोल दो। वैसे तो बारिश होने का एक बेनिफिट ये हो गया है कि क्राउड नहीं है बिल्कुल भी, भीड़ मिल रही है हमें, क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा लग रहा है सब जगह पे घूमना और जाना। मैं मंदिर में एंटर हो रही हूँ, एक बार मैं नीचे से ज़मीन को छू लूँ, आपको सामने के दर्शन कराती हूँ। लाइट मुझे कहीं नहीं मिली है, किसी मंदिर में मुझे लाइट नहीं मिली है, बहुत अंधेरा है। ये तो मेरे फ़ोन के कैमरा की क्वालिटी अच्छी है जो आप लोगों को तो इतना दिख रहा है, मुझे इतना भी नहीं दिख रहा। मैं भी शायद बाद में कैमरे से देख के काम चलाने वाली हूँ। ये देखिए कितने सारे पिलर्स हैं, सीरीज में देखेंगे तो आप, गाइड भी आगे जा रहे हैं, ये कितने सारे पिलर्स हैं देख सकते हैं। ये मुझे नहीं पता इतने सारे बैग्स यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें पूछेंगे हम गाइड भैया से ये क्या है। और अंदर भी राम दरबार दिख रहा है मुझे, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि जो आंगन है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। जो मंदिर का प्रांगण जिसे बोलते हैं वो बहुत बड़ा है साइज में। बाहर से कब से चलने लगी थी और अभी तक नहीं पहुंची हूँ। अब देखिए दरबार के मैं दर्शन एक बार करवा दूँ। ये वाल्मीकि जी हैं बीच में जो खड़े हैं, दोनों तरफ राम और लक्ष्मण हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुकेश जी दर्शन करो, यहाँ रामायण लिखी गई थी मुकेश जी। हर दीवार के कोने पे रामायण लिखी हुई है, एक एक शब्द लिखा हुआ है। रामायण के सारे दोहे, चौपाई, सोरठे, सारे श्लोक यहाँ लिखे गए हैं दीवारों के ऊपर। अगर यहाँ पढ़ना शुरू करें तो रामायण पूरी शायद लिखी गई है। नजदीक से दिखा दो, अंधेरा बहुत है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर जगह पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को सब चीज़ों के दर्शन करा दूँ। ये देखिए ये पालकी टाइप में कुछ रखा हुआ है, इनमें भी मूर्तियाँ और फोटोज़ लगाई हुई हैं। ये जो मैं भी आप लोगों को बोल रही थी, इतने सारे कट्टे पड़े हैं, इतने सारे बैग्स पड़े हैं, ये राम नाम बैंक है जो हम घरों में पुस्तकों में, बुकों में, कॉपियों में लिखते हैं। ये राम नाम बैंक है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। बहुत बैग्स पड़े हैं, पहाड़ बने हुए हैं, इवन ये तो पहाड़ियों बनी हुई हैं बहुत ही जगह पे। कितना मैं आपको दिखाऊँ इसको, यहाँ पे एक और मंदिर है जो नीचे से सफ़ेद संगमरमर या मार्बल का बना हुआ, ऊपर से उसकी जो गुंबद है वो लाल पत्थर की बनी हुई है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा कुछ भी है, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन। बारिश इतनी है, पार्क अच्छे से मेंटेन है, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुंबद ये हमारे इस पे बने हुए हैं पिल्लर पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे साधु बाबा हैं बोल रहे हैं, जो बहुत तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा गिर ना जाऊँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताइएगा कि इतने अच्छे अच्छे विजिट्स मैं आप लोगों को करवाती हूँ। आजकल मैं तीर्थ यात्राओं के ऊपर हूँ, लग रहा है
यहाँ पर राम सेतु जब बनाया गया था, एक ऐसा वो पत्थर रखा गया है, छोटा पत्थर जो डूबता नहीं है, जो तैरता रहता है पानी के अंदर। तो पानी